शिवसेना के कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाने के बाद शिवसेना मोदी सरकार पर हमलावर थी। शिवसेना की ओर से कई बार मोदी सरकार के कामों और नीतियों को लेकर निशाना साधा गया, लेकिन इन दिनों शिवसेना का रुख बदला बदला सा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के बाद शिवसेना कांग्रेस की भाषा बोल रही थी, लेकिन अब कई मुद्दों पर शिवसेना ने खुलकर मोदी सरकार का समर्थन किया है। दरअसल असम को पूर्वोत्तर और देश से अलग करने का बयान देने वाले जेएनयू छात्र शर्जील इमाम पर शिवसेना ने मोदी सरकार के एक्शन का खुलकर समर्थन किया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में तल्ख लहजे में कहा है कि शर्जील का हाथ उखाड़ कर चिकन नेक हाईवे पर टांग देना चाहिए। इतना ही नहीं, शिवसेना ने खुलकर अमित शाह का समर्थन किया। बता दें कि शिवसेना ने मोदी सरकार का समर्थन करते हुए लिखा है कि शाहीन बाग सहित देश भर में जो आंदोलन शुरू है उसमें हर किसी ने शर्जील के बयान पर विरोध जताया और कहा कि इस देशद्रोही को गिरफ्तार करो। अमित शाह के बयान पर शिवसेना ने कहा कि शाह लोगों से पूछते हैं कि तुमने शर्जील की वीडियो देखी क्या, कन्हैया कुमार के शब्दों से भी अधिक घातक है। शर्जील ने असम को हिंदुस्तान से तोड़ने की बात की है, हालांकि उसकी 7 पीढ़ियों तक भी यह संभव नहीं है। आगे शिवसेना ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस जोरदार बयान से हम सहमत हैं। शिवसेना ने यह भी कहा है कि पिछले 5 वर्षों में देश तोड़ने की बात क्यों बढ़ रही है, ऐसा बोलने वालों में पढ़े लिखे नौजवानों की संख्या ज्यादा क्यों है, ऐसे युवकों के दिमाग में जहर कौन बो रहा है, इस पर प्रकाश डालना होगा। शिवसेना जिस तरह से इन मुद्दों पर मोदी सरकार और बीजेपी के समर्थन में बोल रही है, उससे कांग्रेस और शिवसेना के बीच टकराव हो सकता है, क्योंकि CAA और NRC के खिलाफ देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस काफी सक्रिय है और उसके नेता इन प्रदर्शनों में जाते रहे हैं। ऐसे में शिवसेना का बीजेपी प्रेम गठबंधन सरकार की सेहत बिगाड़ सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का साथ भले ही छूट गया हो, लेकिन उम्मीद अभी भी कायम है कि शिवसेना बीजेपी के साथ आ सकती है। बीजेपी की माने तो सुबह का भूला शाम को लौट आए तो बीजेपी को शिवसेना का प्रस्ताव स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं होगा। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और फडणवीस सरकार में मंत्री रहे सुधीर मुनगंटीवार को ये उम्मीद अभी भी है कि शिवसेना बीजेपी के साथ आएगी। उन्होंने कहा है कि अगर शिवसेना बीजेपी से दूर जाने की अपनी गलती का एहसास करे तो बीजेपी उसके साथ फिर से सरकार बनाने को तैयार हो सकती है, बीजेपी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को ऐसी किसी भी पार्टी के साथ सरकार बनाने में कोई हर्ज नहीं है जो मोदी का साथ देना चाहती है। बीजेपी नेता ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना 21वीं सदी का सबसे बड़ा आश्चर्य है। ऐसा होने से एक समय में बहुत मजबूत माना जाने वाला मातोश्री अब कमजोर हो चुका है। दूसरी ओर दिल्ली स्थित मातोश्री मजबूत हुआ है। वहीं पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस को भी शिवसेना का गठबंधन में शामिल होना रास नहीं आता है। वो भी बयान दे चुके हैं कि ये उम्मीद नहीं थी कि शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन में कभी शामिल होगी। हालांकि बीजेपी नेताओं के बयान पर अभी शिवसेना के तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उद्धव ठाकरे के हाल के दिनों में राष्ट्रीय मुद्दों पर बीजेपी का साथ देना और कांग्रेस NCP के गलत बयानबाजी ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू कर दिया है कि क्या शिवसेना बीजेपी के साथ आएगी और महाराष्ट्र में फिर से कमल खिलेगा, क्योंकि इन दिनों महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई मुद्दों पर शिवसेना और कांग्रेस में मनमुटाव चल रही है। कांग्रेस के नेताओं द्वारा शिवसेना पर निशाना साधा जा रहा है, तो वहीं शिवसेना की ओर से संजय राउत भी कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं और कांग्रेस के साथ जाकर शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर कमजोर दिख रही है। उधर राज ठाकरे मनसे का झंडा भगवा करके शिवसेना को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद शिवसेना ने कहा था कि उसके अंदर भगवा अभी भी है और उद्धव ठाकरे 7 मार्च को अयोध्या जाने वाले हैं।
इससे भी कांग्रेस नाराज है। ऐसे में अपनी हिंदुवादी छवि को बरकरार रखने के लिए शिवसेना बीजेपी के साथ जा सकती है और राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मैदान में बीजेपी, कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी है, लेकिन असली लड़ाई केजरीवाल और अमित शाह के बीच चल रही है। अमित शाह के बयान केजरीवाल और कांग्रेस को तीर जैसी चुभ रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अमित शाह पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि शाह की पार्टी ही देश नहीं है। दरअसल सिब्बल ने ट्वीट कर शाह के दिल्ली चुनाव प्रचार में शाहीन बाग के साथ या भारत माता के साथ वाले बयान पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि वे देश के साथ हैं। सिब्बल ने ट्वीट कर कहा है कि अमित शाह आप फैसला करें कि आप देश के साथ हैं या शाहीन बाग के साथ। हमने तो तय कर लिया है, हम देश के साथ हैं, आपके साथ नहीं है। दरअसल दिल्ली चुनाव का सारा मुद्दा इस बार शाहीन बाग पर ही घूम रहा है। शाहीन बाग पर कांग्रेस और केजरीवाल राजनीतिक फायदे लेने की कोशिश में है। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता शाहीन बाग में जाकर बयानबाजी भी कर रहे हैं, जबकि केजरीवाल का आरोप है कि शाहीन बाग में प्रदर्शन बीजेपी की वजह से हो रहा है। हालांकि आखिरी फैसला 11 फरवरी को ही होगा, जब दिल्ली चुनाव के नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि शाहीन बाग पर राजनीति का फायदा किस पार्टी को मिला। महाविकास अघाड़ी सरकार में खटपट शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उद्धव ठाकरे अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे 7 मार्च को अयोध्या जाने वाले हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी ने कहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ वो भी अयोध्या जाएंगे। फरहान ने कहा कि हम लोग उद्धव ठाकरे के साथ अयोध्या जाएंगे, लेकिन एक शर्त होगी कि उद्धव अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करेंगे तो हम वहां बाबरी मस्जिद बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता अबू आजमी और महाविकास अघाड़ी के सभी विधायकों व सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि वह मस्जिद बनाने में हमारा साथ दे। उद्धव ठाकरे के यात्रा को लेकर फरहान ने उद्धव पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि ठाकरे इसे चेतावनी या धमकी के तौर पर ले सकते हैं। फरहान ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने मोदी के नाम पर वोट मांगा और फिर बाद में कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई, ये सरकार 7-8 महीने में गिर जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे मुसलमानों को डराने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। बता दें कि मुंबई में CAA और NRC के विरोध में आयोजित एक कार्यक्रम में फरहान आजमी बोलने पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे पर अयोध्या जाने को लेकर निशाना साधा। इसके अलावा फरहान ने यह भी कहा कि यदि उद्धव सरकार CAA के खिलाफ अधिसूचना नहीं लाती है तो हम उसे गिरा देंगे। हालांकि अबू आजमी ने अपने बेटे फरहान के बयान से खुद को अलग कर लिया है। बीते दिनों AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उद्धव ठाकरे को कहा था कि CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास करवाने के लिए विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाएं। उधर कांग्रेस भी CAA के खिलाफ प्रस्ताव लाने का दबाव शिवसेना पर बना रही है और उनके सहयोगी दल के विधायक का बेटा सरकार गिराने की धमकी दे रहा है। शिवसेना की सहयोगी NCP और कांग्रेस ने फरहान आजमी की टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे क्या बोलते हैं ये इंतजार रहेगा। लेकिन बीजेपी के राज्य उपाध्यक्ष किरीट सोमैया ने शिवसेना द्वारा इस मुद्दे पर चुप्पी साधने पर आश्चर्य व्यक्त किया है। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी बिगुल बजने के बाद से ही राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं द्वारा बयानबाजी के तीर छोड़े जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव में अब पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। पड़ोसी देश की नजर दिल्ली चुनाव पर है। अब पाक के बरबोले मंत्री चौधरी फवाद हुसैन भी दिल्ली चुनाव में कूद पड़े हैं। फवाद हुसैन ने मोदी को हराने की बात कही है। फवाद ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत के लोगों को मोदी को हराना चाहिए। वह इस वक्त अन्य राज्य के चुनाव हारने के प्रेशर में उल्टे सीधे दावे कर रहे हैं।
लोगों को डरा रहे हैं। कश्मीर, नागरिकता संशोधन कानून और गिरती अर्थव्यवस्था पर देश दुनिया से मिली प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। फवाद के इस ट्वीट के बाद केजरीवाल ने तुरंत मोर्चा संभाला और पीएम मोदी का बचाव करते हुए फवाद हुसैन को जवाब दिया। केजरीवाल ने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली का चुनाव भारत का आंतरिक मसला है और हमें आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान जितनी कोशिश कर ले इस देश की एकता पर प्रहार नहीं कर सकता। बहरहाल सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी के बचाव में बोला, ये काफी दिलचस्प था। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार की डोर ढीली पड़ती दिख रही है। महाघाड़ी सरकार में इस वक्त काफी उथल पुथल मचा हुआ है। कांग्रेस के नेता शिवसेना पर हमलावर हैं, तो वहीं शिवसेना द्वारा कांग्रेस और एनसीपी पर निशाना साधा जा रहा है। जबकि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए मोदी सरकार का समर्थन किया है। शिवसेना के रुख से साफ लग रहा है कि अब शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी से दूरी बनाकर बीजेपी की ओर जाती दिख रही है। एनसीपी से भी शिवसेना की अनबन हो सकती है। भीमा कोरेगांव के बाद एनसीपी ने सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों पर यलगार परिषद केस थोपने का आरोप लगाया है। शिवसेना द्वारा सामना में लिखा गया है कि महाराष्ट्र के यलगार मामले में गिरफ्तार सभी लोग समाज के नामी गिरामी विद्वान और विचारक हैं और उन पर भी शर्जील की तरह देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। मुसलमान और हिंदुओं में कलह बढ़े। इराक अफगानिस्तान की तरह कभी समाप्त न होने वाली अराजकता और गृह युद्ध चलता रहे, इस प्रकार के प्रयास शुरू हैं। उसे खाद पानी देने का धंधा राजनीतिक प्रयोगशाला में चल रहा है। शहरी नक्सलवाद है ही, इसी के साथ उच्च वर्ग और उच्च शिक्षित लोगों में आतंकवाद बढ़ाने के लिए राजनीतिक जहर बो रहे होंगे, तो और क्या होगा। सामना में शिवसेना ने अमित शाह की तारीफ भी की और शर्जील इमाम पर उनके बयान का समर्थन किया। इसके अलावा CAA पर भी शिवसेना बीजेपी के साथ दिख रही है। CAA के खिलाफ देश भर में हो रहे प्रदर्शन के खिलाफ भी सामना में बोला गया है। ऐसे में शिवसेना के इस रुख की वजह से कांग्रेस के साथ उसका सीधा टकराव हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस CAA और NRC के खिलाफ देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में है। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में हो रहे प्रदर्शनों में कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी देखी जा रही है। लेकिन शिवसेना अब कुर्सी की चिंता छोड़कर कांग्रेस और NCP के खिलाफ जाकर बीजेपी के समर्थन में बोल रही है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में 8 फरवरी को चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र दिल्ली संकल्प पत्र जारी किया है। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की मुफ्त योजनाओं के जवाब में बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो दमदार बनाया है, जिससे केजरीवाल एंड कंपनी के खेमे में हड़कंप मच सकता है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी व सांसदों की उपस्थिति में पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। गडकरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी राष्ट्रीय राजधानी के विकास की बुलेट ट्रेन चलाएगी। गडकरी ने यह भी कहा कि भाजपा का इतिहास दिल्ली से जुड़ा रहा है, बीजेपी दिल्ली की तकदीर बदल देगी। अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा है कि यदि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो पार्टी गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो के भाव से गेहूं का आटा देगी। इसके अलावा केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन की तर्ज पर पार्टी हर परिवार को स्वच्छ पेयजल भी देगी। इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि को भी लागू करने का वायदा किया है। इसके अलावा पार्टी ने यह भी वादा किया है कि बीजेपी की सरकार बनी तो दिल्ली में 200 नए स्कूल और 10 नए कॉलेज खोले जाएंगे। गरीब परिवार की बेटी के जन्म के वक्त अकाउंट खुलेंगे। 21 साल की होने पर 2 लाख रुपए मिलेंगे। 9वीं क्लास में गए छात्रा को मुफ्त में साइकिल। गरीब विधवा महिला की बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए। इसके साथ ही 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा भी किया गया है। इसके अलावा भी कई और वादे बीजेपी द्वारा किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।